गुजरात टाइटन्स ने हरा दिया है पंजाब किंग्स को कर्टसी ऑफ राहुल तवेटियर्स टू बॉल बैक टू बैक सिक्सेस आई मीन इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते तुम गेम से मतलब पूरा रोमांचक गेम बना रहा आई I मीन mean, पंजाब हमेशा की तरह फिर से चोकर्स और अगर आप एक पंजाब फैन हो दिस इज़ वेरी सैड मोमेंट फॉर यू बिकॉज ऐसी गेम्स आपको प्ले में क्वालीफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये कॉस्ट करता है क्योंकि जब अर्शदीप ने अपना ओवर डाला था तो उसके बाद इट वॉज ऑलमोस्ट सर्टन कि पंजाब डोमिनेटिंग पोजिशन फिर अबाड़ा ने डाला इट वॉज ऑलमोस्ट सर्टन पंजाब जीत जाएगा स्टेज फॉर गुजरात जब फोर्थ बोल डाली थी ऑडियंसमिथ ने तो गुजरात टाइटन्स को दो गेंद में तेरह रन चाहिए थे जो कि इंपॉसिबल था पता नहीं उसने क्या किया बॉल पकड़ के पॉइंट ब्लैंक से स्टम्प पे मार दिया और एक रन एक्स्ट्रा दे दिया जिससे फिर दो गेंद में बारह रन चाहिए थे मतलब इंपॉसिबल है जब मैच जीतना तुम उसको भी पॉसिबल बना के दे रहे हो ओपोनेंट को तो ये मैच गिफ्ट करना नहीं और क्या है इट्स नॉट अ गुड लुक ऑनऑफ पंजाब साइड यू नो और यही नहीं मतलब मैच के अगर मैं चांसेस गिनूँ तो स्टंप मिस हुआ कैच ड्रॉप हुआ रबाडा ने नो बॉल डाली पहली पेनल्टीमेट ओवर की वहाँ तुमने फिर दो रन एक्स्ट्रा दे दिए मतलब इतना गड़बड़ किया ना पूरे मैच में इतना इजीली जीता हुआ मैच हार गया पर चलो जो है सो है यानी आओ अब हार गए तो हार गए बट मैच वॉज एंटरटेनिंग और लास्ट बॉल में मेरे को लग ही रहा था कि जब टवेटिया आ गया क्रीज पे और उधर एक वेस्ट इंडियन बॉलर आ गया ऑडियंस में जो पहले ही पचास पचास रन दे रहा है चार चार ओवर में तो मुझे पता था इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर बट मुझे कहीं से लगा था कि हाँ पहली चार गेंदों के बाद बच जाएगा बट जो सिली एक रन दिया फालतू का और लास्ट में दो पे दो छक्के तो खाई अगर तुम लास्ट में भी देखो तो उसने पहली बॉल डाली सिक्स पड़ा सेकेंड बॉल भी बिल्कुल वहीं स्लॉट में वहीं डाल दी जब तुम्हें पता है कि पिछली बॉल पे राहुल त्वेतिया ऑफ साइड को मूव किया है तो इसका मतलब यही है कि वो स्टम्प पूरा खाली छोड़ दिया उसने तुम अगर स्टम्प पे बॉल टारगेट करते एडजस्ट करके तो वहां मैक्सिमम चार चला जाता सिक्स जाता ही ना या जा फोर जाता या फिर बोल्ड होता त्वेटिया बट यही होता है इन एक्सपीरियंस का नतीजा बट एनी हाउ इट वॉज नॉट अ गुड गेम फ्रॉम पंजाब परस्पेक्टिव लाइक तुम क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते ऐसी गेम थी ये मतलब पंजाब को तुम क्या कह सकते हो तुम्हारी बैटिंग अच्छी नहीं थी 190 तुम्हारी बॉलिंग अच्छी नहीं थी ऑलमोस्ट वन द मैच कुछ आंसिंग नहीं था गुजरात टाइटन्स के पास एक टाइम पे तो तुमने खुद ही अपनी गलती से मैच जितवा दिया उन्हें तो इट्स नॉट अ गुड लुक बट मैच की बात करते हैं तो शुभमन गिल हैट्स ऑफ वट एन इनिंग्स बहुत ही क्वालिटी प्लेयर है मैं पहले से कह रहा आ रहा हूँ एंड ही इज फ्रॉम पंजाब एज वेल पता नहीं क्यों होता है पंजाब के एक्स प्लेयर्स राहुल त्रिवेटिया भी पंजाब के लिए खेला पहले पंजाब के एक्स प्लेयर्स जब पंजाब की स्टेट वाले जो प्लेयर हैं वो हमेशा अच्छा खेलता है पंजाब के अगेंस्ट आई डोंट नो ये साइकोलॉजिकल है यह क्या है बट इट्स अ फैक्ट पर कुछ भी कहो ही डिड वेल तो फिर एक यंगस्टर था बीच में गुजरात टाइटन्स का ही प्लेड वेल एज वेल और uh, हार्दिक पांडे जब आउट हुआ था इट वॉज गेम सेट मैच फॉर पंजाब बट दे लॉस्ट इट दैम सेल्व आई डोंट नो हाउ दे मैनेज टू डू इट स्टिल कैन बिलीव इट दे ऑलवेज चौक इट रिमाइंड मी ऑफ लास्ट टू सीजन्स They have been costing their playoff sport because of these silly errors, एयर स्कूल कहोगे तुम मतलब तुम पूरा गिफ्ट करके दे रहे हो मैच पूरा फिर तुम ओपोन तो, तो जीतते ना अगर तुम्हें नहीं जीतना है तो ये ऐसा मैच तो तुम हार ही नहीं सकते It's so, it was so good of a match they made बट अगर पॉजिटिव देखा जाए अपने आप के लिए तो तीनों मैच आई थिंक चारों मैच जो हुए सारे टक्कर के मैच थे ऐसा नहीं था कि कहीं गिव अप ही कर दिया एक आंध्रे रसल वाले मैच को छोड़ के वो भी अच्छा बना दिया था उन्होंने बट आंद्रे रसल का दिन था तो जिस दिन उसका दिन होता है उस दिन कोई नहीं चलता चाहे कोई भी बॉलर हो सामने चलो वो मैच हार गए बाकी ये भी अच्छा मैच था ये भी मुझे लग रहा है एक तरह एज अ विन ही था बट चलो उन्होंने चौक किया वो अलग बात है पॉइंट नहीं मिलेंगे उसके बट मेंटल पॉइंट्स तो मिलेंगे ऑडियंसमिथ तुम टीम में नहीं रख सकते ऑडियंसमिथ को यू कैन नॉट जस्टिफाई आप दो चीज़ें कर सकते हो या तो ऑडियंसमिथ को बाहर करो बेनी हॉल को अंदर लेके आओ बिकॉज द गाय इज रियली गुड हिस् स्पेशली टी ट्वेंटी बॉलर एंड बैट्समैन दोनों कर लेता बैलेंस प्लेयर मिल जाएगा एक सेंटर में या फिर दूसरी चीज तुम कर सकते हो राजा पक्षा को फिर से अंदर लेके आओ और जितेश शर्मा आई थिंक इंजर्ड हो गया हेमस्टिंग इंजरी होगी तो उसको हो सकता है एक महीना भी बाहर बैठना पड़े तो उसकी जगह तुम्हें तो एक बॉलर लेके आओ अंदर देखो कौन सा अच्छा है तुम्हारे कैंप में जैसे संदीप शर्मा ला सकते हो तुम ईशान पोरेल ला सकते हो अगर उनको चांस देना तो उन्हें लेके आओ बाकी वैबर रोड़ा वॉज नॉट गुड दिस मैच पता नहीं अपनी लेंथ से भटका हुआ था बहुत ही वाइट बॉल डाल रहा था उसको और दूसरी चीज में, में थर्ड तु, ओवर डाला या फोर्थ। उसने विकेट निकाल दिया ये तुम्हें करना चाहिए बॉल नंबर वन शुड बी बोल्ड बाय राबाडा अगर इमेजिन शुभमन गिल को शुरू में आउट कर देता हो गुजरात टाइटन की पूरी इनिंग्स गई थी और तुमने उसे सेट होने दिया पहले दो तीन चार ओवर में उसके बाद रबाडा आया उसने चलो तो मैथ्यू वेट का विकेट लिया पर तब तक सेट हो चुका था शुभमन गिल तो ये इन डिसीजन है जो मियंक की ओर से हुए हैं विच ही नीड्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी टॉकिंग अबाउट पंजाब इनिंग तुम में कहना पड़ेगा शुभमन गिल प्लेड अ वेरी गुड इनिंग्स बट लियम लिविंगस्टन मतलब जो वो बंदा करता है वो इस टाइम पे मुझे लगता है वर्ल्ड क्रिकेट में कोई नहीं कर पाता एक्सेप्ट मे बी मैक्सवेल पर मैक्सवेल इतना कंसिस्टेंट नहीं है लियम लिविंगस्टन ऐसे हिट कर रहा था बॉल को इतना क्लीन हिटर पूरी गेम का सबसे क्लीनेस्ट हिटर था लियम लिविंग लियम लिविंगस्टन इज इन सम फॉर्म ही इज इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ और ऐसे खेलता रहा तो लियम लिविंगस्टन वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर द ऑपोजिशन आज भी अगर उसकी इनिंग्स निकाल दो पंजाब की इनिंग्स कुछ भी नहीं थी एक भी बंदे ने ढंका नहीं खेला जितेश शर्मा को छोड़ के और लास्ट में जो राहुल चाहर ने किया वो तो चलो और अर्शदीप ने जो किया बट कितना करेगा वो भी अगर सत्ताईस में वो सिक्सटी फोर मार रहा है तो जस्ट इमेजिन कितना बाकी इनिंग्स का लोड अकेला उठा रहा है वो ही नीड समन टू सपोर्ट हिम और मिडल ऑर्डर में अगर लिविंगस्टन मार रहा है तो दोनों एंड से पिटाई नहीं करनी तुम्हें लेट हिम गो देर क्योंकि तुम्हें फायर पावर एंड में भी चाहिए क्रेडिट टू तवेतिया फॉर हिटिंग टू सिक्स इन लास्ट बॉल बट इट वॉज नॉट अ

तो तुम्हें इस हिसाब से देखना पड़ेगा बाकी जॉनी बेस्ट हो पहला गेम तो अच्छा नहीं हो पाया आज बट ही ऑलमोस्ट चेंज द गेम हार्दिक पांड्यास रन आउट वॉज सो क्रूशियल देयर वन द मैच आर द लॉसिज दैट आर टफ टू सॉलो अच्छी बात यह है कि शुरू शुरू में आ जाए इतनी लॉसेज तो इट्स मच बेटर कि ऐसी टफ वाली लॉसेज ताकि अभी पता चल जाए ऑडियंस स्मिथ इस टीम का वीक लिंक है एक बार वो बाहर जाएगा क्योंकि अच्छा बंदा बीच में आया तो दिस टीम विल बिकम वेरी स्ट्रांग गुजरात आइटम्स तो हमने देख ही लिया है आई थिंक दे विल हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल वेन दे फेस क्वालिटी बॉलर्स और अगर जिस दिन शुभमन गिल नहीं चलेंगे दे विल हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल बट अभी के लिए गुजरात आइटम आई थिंक सेकेंड नंबर पर पहुंच गए और पंजाब फिफ्थ या सिक्स पोजिशन पर आ गई है एज यूजल एज दे कम बट एनी हाउ इट विल भी इंटरेस्टिंग टू सी की अगला मैच पंजाब को मुंबई से आई होप देट बट यू कैन नेवर काउंट आउट मुंबई दैट वॉज ऑल फॉर दिसक्स्ट वन